हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी फॉर ऑल। आज ट्यूसडे है और आज मैं ज्योग्राफी के एक टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है अपरदन और निक्षेपण, इरोजन एंड डिपोजिशन। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। हमने देखा पिछले वीडियोस में तो कि अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया जो है वो अनाच्छादन के अंतर्गत ही आती है, अनाच्छादन की प्रक्रिया के अंतर्गत, जिसको डेन्यूडेशन कहते हैं। अनाच्छादन की प्रक्रिया के अंतर्गत ही अपक्षय को हमने देखा पिछले वीडियो में, और अब जो है अपरदन और निक्षेपण को देखेंगे, और साथ ही जो मास मूवमेंट जो की प्रक्रिया होती है उसको भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अपक्षय में क्या होता है कि अपक्षय में एक चट्टान है, इसमें टूट फूट हुई और इससे जो मलबा प्राप्त हुआ वो यहीं पर रह जाता है, इसमें गति नहीं होती है। तो अपक्षय की प्रक्रिया क्या है, चट्टान में टूट फूट होने के साथ ही मलबे का अपने स्थान पर रह जाना। अब अपरदन में क्या होता है कि इसी मलबे में मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने के साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है इस मलबे का। स्थानांतरण के साथ ही कहीं पर अगर निचला स्थान मिलता है तो आगे चल के इसका निक्षेपण भी होता है। तो अपरदन के अंतर्गत अनाच्छादन की यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया, यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, और इसमें अपरदन के कारकों के द्वारा अपरदन के कारक क्या क्या हैं, जिनमें गति होती है। सिर्फ वही अपरदन के कारक हो सकते हैं, जैसे बहता जल, बहती वायु, हिमनद, सागरीय तरंगे, बहती जलधारा। तो ये सब जो है ये अपरदन के कारक हैं, और इनका काम क्या है, जो असमानताएं हैं पृथ्वी की सतह पर उसको काट छांट करके, उसको घिसाई उसकी करके, उसको समान करना, समतल करना, और उसको इसके लिए जो ऊंचे स्थान है उनको काटती है, और जो नीचे स्थान है उनको उन वहाँ पर निक्षेपण करती हैं। तो ये भूतल को काट कर बहाकर मलबे के रूप में परिवहित कर निक्षेपित किया जाता है। ये एक चित्र है, ये एक जो अपरदित स्थलाकृति का चित्र है, ये एक मैदान जैसा क्षेत्र है और यहाँ पर अपरदन की क्रिया हुई है। तो इसी तरह की कुछ बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अपरदन कार्य हेतु अपरदन के कारकों को सतह की अपरूपण शक्ति की तुलना में अधिक दबाव लगाने में सक्षम होना चाहिए। तो अपरदन कैसे हो सकता है, अपरदन एक चट्टान है तो जो इसका रूप अपरूपण यानी कि इसका रूप बदलने के लिए जो बाहर से जो अपरदन के कारक हैं उनको अधिक दबाव लगाने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि अपरदन के जो कारक हैं उनका जो प्रभाव है वो काफ़ी अधिक होना चाहिए, तभी इस चट्टान का जो है अपरूपण होगा और इसका रूप परिवर्तन होगा, अपरदन होगा। विशाल चट्टानें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं तो भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूजल, हिमनद, वायु, लहरें एवं धाराएं आदि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। मतलब विशाल चट्टान भी अपक्षयित होते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और फिर क्या होता है कि भूआकृतिक कारक जैसे ये सब हैं ये इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और ये तभी संभव होता है जब उनमें गति होती, यानी गत्यात्मक कारक होते हैं। भूआकृतिक कारक जो हैं वो गत्यात्मक कारक होते हैं, अगर इनमें गति ना हो तो ये अपरदन और निक्षेपण करने में सक्षम नहीं होंगे। निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। अगर अपरदन ना हो यानी कि मलबा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना आए तो निक्षेपण भी संभव नहीं होगा। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। अगर कोई भी मान लीजिए कि एक बहती नदी है तो ये अपने साथ मलबे को ले जा रही है, जहाँ पर उसके ढाल में कमी आएगी, ऐसे नदी बह रही है थोड़ा सा ढाल होता है तभी उसमें बहाव संभव होता है, प्रवाह संभव होता है।
जब ढाल में कमी आती है, लगभग समतल जैसा स्थान आ जाता है, तब उसकी गति में कमी आती है, नदी के जल के गति में कमी आती है, और इसके साथ जो अवसाद वगैरह जो आ रहा है, ये यहाँ पर निक्षेपित होना आरंभ हो जाता है। ये निक्षेपण से कुछ स्थलाकृतियों के चित्र हैं, जैसे ये जो है ये मरुस्थल का चित्र है, जैसे मरुस्थल में रेत जो है ये निक्षेपित हुआ है, और मरुस्थल में सबसे जो प्रभावी जो अपरदन का कारक होता है वो होती है वायु। ये समुद्र के किनारे का स्थान है, जो सी बीच होता है, सी बीच जो है वो निक्षेपण का परिणाम होता है। ये जो है ये एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर से जो पिघलने के बाद जो ये सब कुछ स्थलाकृतियाँ बनी हैं, और ये एक नदी है जो कि ये आसपास ये जो सब सब कुछ है, ये स्थलाकृतियाँ ये निक्षेपण का परिणाम है। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं, पहले स्थूल और बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। मतलब जो मलबा जो जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, तो इसमें जो मलबा जो जा रहा है उसमें कुछ बड़े कण हैं, कुछ छोटे कण हैं, कुछ बहुत छोटे कण हैं, तो इसके बहाव के साथ ये सभी कण जा रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ चट्टान के टुकड़े भी होते हैं, कुछ गोलाश्म कहा जाता है, जैसे पत्थर जो है घिसते घिसते गोल आकृति हो जाती है, तो ये सभी जो है, तो जहाँ पर ढाल में कमी आएगी, जहाँ निक्षेपण आरंभ होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो बड़े जो खंड हैं, शिलाखंड हैं, या बड़े जो कण हैं वो पहले निक्षेपित होंगे, क्योंकि उनका भार अधिक है और वो पहले रुक जाएंगे यहीं पर, और जो छोटे कण हैं वो कुछ और आगे तक जाएंगे, क्योंकि उनका भार कम है तो कुछ और आगे तक जाएंगे, और आगे चल के ये सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होंगे, और सबसे जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो सबसे आगे तक जाएंगे और सबसे बाद में निक्षेपित होंगे। तो यही है, स्थूल पहले और सूक्ष्म पदार्थ बाद में निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों के उदाहरण क्या क्या हैं? जलोढ़ पंख है, जलोढ़ मैदान है, डेल्टा है, ये सभी नदी के से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां हैं, और ये एक नदी की यात्रा से संबंधित है। नदी जो है पर्वतीय क्षेत्रों से जब निकलती है इस तरह से, तो जब पर्वतों से मैदानी प्रदेश में आती है तो उसके ढाल में अचानक से परिवर्तन होता है, तीव्र ढाल से मंद ढाल की ओर आती है, तो इसकी गति में कमी आती है, तो इसके साथ जो भी मलबा आ रहा है वो यहीं पर निक्षेपित कर देती है पर्वतपदीय प्रदेशों में। तो इस तरह से एक जलोढ़ पंख जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जलोढ़ यानी कि इसके साथ जो आया हुआ मलबा है, इससे एक पंख जैसी आकृति का निर्माण होता है। आगे चल के जब ये नदी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती है मैदानी प्रदेश में, तो क्या होता है कि जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। जलोढ़ मैदान, जैसे हमारे यहाँ अगर गंगा नदी को देखें, तो गंगा नदी उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार, पश्चिम बंगाल वगैरह से होते हुए बहती है, तो मैदानी क्षेत्र में जितना भी हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो ये गंगा और इसकी सहायक नदियों से ही के निक्षेपण का ही मुख्य रूप से इसी से बना है, इसी इन्हीं अवसादों से बना है, और उस ये जलोढ़ मैदान है। और आगे चल के जब ये नदी अपने मुहाने तक पहुंचती है, यानी कि समुद्र से जहाँ किसी समुद्र में गिरती है, जैसे गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहाँ पर समुद्र के जल से मिल जाती है, तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, बहुत ज़्यादा अवसादों का वहाँ पर निक्षेपण हुआ है। अपरदन में प्रयुक्त क्रियाओं पर आते हैं। अपरदन में प्रयुक्त क्रियाओं को अगर देखें तो इसमें दो वर्ग हैं, भौतिक अपरदन और रासायनिक अपरदन। तो देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें अलग अलग हैं, अपघर्षण है, कोरेजन और एब्रेजन इंग्लिश में बोलते हैं, सन्निघर्षण, एट्रीशन, जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन, गुहिकायन क्रिया, कैविटेशन, अपवाहन, डिफ्लेशन और उत्पाटन, प्लकिंग। और रासायनिक अपरदन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं? घोलीकरण है, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन,
ये तो इसमें आ गया, ये नहीं होगा। और इसमें जलयोजन, हाइड्रेशन और जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, एक एक करके देखते हैं। जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं, इसमें तीन प्रक्रियाओं को एक साथ दिखाया गया है। जैसे ये मान लीजिए कि ये नदी है, ये नदी का जल है और ये नदी की तली है। तो इसमें एब्रेजन यानी कि अपघर्षण, अपघर्षण और एट्रिशन यानी कि सन्निघर्षण, ये दो भौतिक प्रक्रियाओं को दिखाया गया इसमें। और एक सॉल्यूशन, ये रासायनिक प्रक्रिया को दिखाया गया है। और एक हाइड्रोलिक एक्शन, ये भी भौतिक प्रक्रिया को दिखाया गया। यानी कि इसमें तीन भौतिक प्रक्रियाएं दिख रही हैं और एक जो है रासायनिक प्रक्रिया दिख रही है अपरदन की। होता क्या है ये देखते हैं कि करके। जैसे ये नदी की तली है, तो इसमें जो जो इससे जो मलबा इसके साथ, इस जल के साथ जो प्रवाहित हो रहा है, इसमें कई छोटे बड़े शिलाखंड हैं, गोलाश्म हैं और कंकड़ पत्थर हैं और कुछ सूक्ष्म जो कण होते हैं वो भी रहते हैं। तो जो ये नदी की तली के साथ रगड़ खाते हुए प्रवाहित होते हैं। तो अगर सामान्य भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें, तो अब्रेजन यानी कि अपघर्षण का मतलब क्या होता है? खुरचना। जैसे खुरचा जाता है कुछ, जैसे चट्टान पर अगर खुरचा जाएगा किसी तरह से, किसी तरीके से, तो वही प्रक्रिया है अब्रेजन। यानी कि ये जो तली की जो चट्टान है, इस पर खुरचने की प्रक्रिया को अब्रेजन और या अपघर्षण कहते हैं, जो इस मलबे के द्वारा, इस मलबे के प्रभाव से होता है। और इसके साथ ही एट्रिशन क्या है? एट्रिशन है सन्निघर्षण, जो ये जो मलबा है इसके जो कण है या जो खंड है, ये आपस में भी टकराते हैं, आपस में भी टकराते हैं। और बड़े कण जो हैं वो छोटे कणों में बदल जाते हैं टूट फूट करके, और छोटे कण जो हैं अति सूक्ष्म कणों में बदल जाते हैं, और इस तरह से मिट्टी का, रेत का निर्माण होता है। तो इस तरह से एट्रिशन जो है, ये आपस में सन्निघर्षण, आपस में मलबे के आपस में टूट फूट की प्रक्रिया है। तीसरा जो भौतिक, तीसरी जो भौतिक प्रक्रिया है हाइड्रोलिक एक्शन, ये मुख्य रूप से ये जल के वेग पर निर्भर करती है। इसमें जल प्रवाहित, जल का ही मुख्य, उसी उसी की भूमिका है। जो ये चट्टान है, ये नदी की घाटी की चट्टान है, इस पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक चट्टान है, तो इस पर नदी का जल जो है एक वेग से प्रहार करता है। एक वेग होता है नदी के जल में, और उस वेग से इस पर प्रहार करता है, और लगातार ये प्रक्रिया होते होते इसमें दरारें पड़ती हैं और धीरे धीरे ऊपरी सतह जो है कमजोर होती है, और इससे कुछ खंड जो है टूट फूट करके जो गिरते हैं और मलबे के रूप में परिवर्तित होते हैं और फिर अपरदित हो जाते हैं नदी के जल के साथ। तो इसी को कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन, इसमें जल की ही मुख्य भूमिका होती है। और ये चौथा जो तरीका है अपरदन का, ये रासायनिक क्रिया है, सॉल्यूशन, घोलीकरण। जो अगर चट्टान है और इसमें कुछ खनिज ऐसे हैं जो जल के साथ जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं और जल के, जल में घुल जाते हैं आसानी से, तो यहाँ पर ये अपरदन की क्रिया होगी। और ये अपरदित जो पदार्थ है वो नदी के जल के साथ ही प्रवाहित हो जाएगा। सन्निघर्षण हमने देख लिया, सन्निघर्षण हो गया, जलगति क्रिया हो गई, अपघर्षण भी देखा हमने। अब आते हैं गुहिकायन क्रिया यानी कि कैविटेशन पर। तो ये मुख्य रूप से आता है जहाँ पर नदी जो है वो जलप्रपात बनाती है। जैसे ये नदी जो है यहाँ से प्रवाहित होकर के आ रही है, और कहीं पर अगर उसको तीव्र ढाल मिलता है, यहाँ पर इसको तीव्र ढाल मिल रहा है, तो नदी जो है यहाँ पर जलप्रपात बनाती है। और जलप्रपात बनाती है तो यहाँ पर ये ऊपरी सतह जो है ये कठोर चट्टानों की है, नीचे की परत जो है वो कोमल चट्टानों की है। तो क्या होता है कि ऊपर की सतह जो है वो कम अपरदन हो रहा है इसका, नीचे वाली जो चट्टान है, नीचे वाली जो सतह है, इसका अधिक अपरदन हो जा रहा है, और ये अधिक अधिक अंदर तक इसका कटाव हो जा रहा है। तो इस तरह की आकृति बन रही है, अंडर कटिंग हो रही है यहाँ पर। और ये जल जो है यहाँ से ऊपर से वेग के साथ गिरता है और यहाँ पर प्रहार करता है, और यहाँ पर एक स्थलाकृति बनती है, प्लंज पूल बोलते हैं, या फिर अवनमन कुंड हिंदी में बोलते हैं।
अवनमन कुंड। किसी भी अगर जलप्रपात में देखें हम तो इसके जो ये फुट पर इसके यहाँ पर निचले हिस्से में हमें अवनमन कुंड मिलता है। यहाँ पर जो है अधिक धीरे धीरे अधिक गहरा इस तरह की स्थलाकृति बनती है, यहाँ पर अधिक कटाव हो जाता है और यहाँ पर जो ये टूट फूट होती है फिर ये अपरदित हो जाता है नदी के जल के साथ। तो ये जो है पेबल स्टोन्स एंड बोल्डर्स, यहाँ पर ये जो शिलाखंड के टुकड़े हैं, ये जो मलबा है, ये जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। और कालांतर में क्या होता है, यहाँ पर ये जैसा कि ये पहले यहाँ तक है हार्ड रॉक, जो उसके बाद फिर यहाँ अंडर कटिंग हो रही है, ये हिस्सा जो है ज़्यादा अपरदित होता जा रहा है। तो धीरे धीरे ये आधार जो है इधर कम हो जाने से ये हिस्सा भी टूट करके गिर जाता है और इसका भी अपरदन हो जाता है, यानी कि ये हिस्सा भी धीरे धीरे जो है वो पीछे हटता जाएगा अपरदन के साथ, ये ओवरहैंग कोलैप्स कर जाता है। आगे बढ़ते हैं अपवाहन की ओर। अपवाहन क्या है, ये मुख्य रूप से शुष्क प्रदेशों में होता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है यहाँ, और इसमें जो है वायु का प्रभाव होता है। मुख्य रूप से वायु के प्रभाव से अपवाहन की क्रिया होती है, इसको डिफ्लेशन कहते हैं। ये एक सतह है और इसमें जितने भी ढीले पदार्थ हैं और छोटे पदार्थ हैं जो कण हैं उसको जो है जो वायु में क्योंकि वेग होता है वो इसको उड़ा करके ले जाती है, और कहीं पर जब उसमें वायु में जो जो मलबा उड़ करके जा रहा है जब उसका उसका भार अधिक हो जाता है और उसको कहीं पर सही क्षेत्र मिलता है तो उसको कहीं पर निक्षेपित कर देती है। आपने सुना होगा लोएस के मैदान के बारे में, वो ऐसी ही प्रक्रिया ये वायु जो है वो उड़ा करके ले जाती है और कहीं पर उसको निक्षेपित कर देती है। इसी तरह से लोएस के मैदान का निर्माण होता है। अगली प्रक्रिया है उत्पाटन की प्रक्रिया। उत्पाटन की प्रक्रिया जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, उत्पाटन की प्रक्रिया मुख्य रूप से पाई जाती है हिमनद प्रदेशों में, जहाँ पर जो ज़्यादा शीत प्रदेश हैं, हिमनद हैं जहाँ पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, वहाँ पर उत्पाटन की प्रक्रिया होती है। प्लकिंग, प्लकिंग यानी कि तोड़ना, जैसे कि यहाँ पर इस चित्र से हम समझ सकते हैं कि ये चट्टान की सतह है तो ये ऊपरी सतह जो है वो सबसे पहले प्रभावित होती है। यहाँ पर जो है दरार बनते हैं, यहाँ पर बर्फ जमती है, फिर अगर तापमान बढ़ता है तो वो पिघलता है, बर्फ बर्फ के पिघलने और जमने से क्रमशः धीरे धीरे इसमें दरारें पड़ती हैं और ये सतह कमजोर होती है, इसमें टूट फूट होती है। और अगर यहाँ से हिमनद होकर के गुजरता है तो आसानी से इस हिस्से को तोड़ फोड़ देता है और तोड़ फोड़ करके ये जो शिलाखंड जो मिलते हैं इसको आसानी से अपने साथ मूव करके ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। प्लकिंग यानी कि यहाँ से तोड़ देता है चट्टानों को। और यहाँ पर जैसे ये वाला जो हिस्सा है इसमें क्या होता है, एब्रेजन होता है, ये जो तोड़ फोड़ करके ये जो मलबा मिल रहा है इससे इस क्षेत्र में अपघर्षण की क्रिया भी हो रही है, यहाँ पर घिसाई भी हो रही है, तो ये क्षेत्र जो है ये गहरा होता जाता है। और जो हिमनद वाले प्रदेश हैं वहाँ पर इस तरह की स्थलाकृति जो है वो कॉमन है। इस तरह की स्थलाकृति आराम कुर्सी जैसी स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसको कहते हैं सर्क या कोरी। ये इस तरह की जो स्थलाकृति बनती है इसको सर्क या कोरी कहते हैं। अब आते हैं रासायनिक अपरदन पर। तो रासायनिक अपरदन में घोलीकरण हम देख चुके हैं सॉल्यूशन नदी के जल के संदर्भ में, जो इस तरह की चट्टान में जो खनिज होते हैं जो आसानी से घुल जाते हैं वहाँ पर ये प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं कार्बोनेशन है, जो चूना प्रदेश चूना पत्थर वाले प्रदेश होते हैं वहाँ पर ये प्रक्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में होता है वो जल के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है और वो अपना प्रभाव डालता है चूना पत्थर वाले प्रदेशों में। मुख्य रूप से कार्बोनेशन है, जलयोजन, ये सब हम अपक्षय में देख चुके हैं, लेकिन इसको मैंने यहाँ क्यों रखा है ये बताऊंगी मैं। हाइड्रेशन जो है वो किसी चट्टान का वॉल्यूम बढ़ जाना है जल के सोखने से, जल जो है वो एब्जॉर्ब करता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और बढ़ने से
उसमें फैलाव होता है और उसमें क्रैक्स पड़ते हैं, वो वीक पड़ता है, उसका अपक्षय होता है और अंततः उसका अपरदन हो जाता है। ऑक्सीकरण जो है लौह प्रधान वाले चट्टानों, लौह प्रधान चट्टानों के क्षेत्रों में होता है ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। और जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस, जहाँ पर चट्टानों में ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जहाँ पर वो जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं जल के साथ, तो वहाँ पर एक नए कंपाउंड का निर्माण हो जाता है और इस प्रक्रिया को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो ये सारी इन सारी प्रक्रियाओं को हमने अपक्षय में देखा है, लेकिन इसको मैंने यहाँ भी इसको एक बार रिपीट करना जरूरी समझा, क्योंकि वहाँ पर जो है अपक्षय हो रहा है लेकिन वहाँ पर मूवमेंट नहीं है, और यहाँ पर जो अपक्षय हो रहा हो गया और उससे जो पदार्थ मिला, जो मलबा मिला, उसका मूवमेंट भी हो रहा है अपरदन के कारकों के द्वारा, जहाँ जो कारक हैं उपस्थित उसके द्वारा इन प्रक्रियाओं से प्राप्त मलबे का अपरदन भी हो रहा है, जिसको इस प्रक्रिया से प्राप्त जो मलबा है उसको रासायनिक अपरदन कहते हैं। अब आते हैं मास मूवमेंट पर। मास मूवमेंट भी अनाच्छादन का ही एक हिस्सा है। वृहद संचलन या वृहद अपक्षय का तात्पर्य क्या है, इसमें क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है, गुरुत्वाकर्षण का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, और इसके कारण चट्टानों के मलबे का ढाल के अनुरूप स्थानांतरण होता है। जिधर ढाल होती है उधर ही स्थानांतरण होता है। अगर यहाँ पर टूट फूट हो रही है और यहाँ पर इधर ढाल है, तो ये मलबा जो है इधर की ओर स्थानांतरित होगा, और क्योंकि बड़ी बड़ी मात्रा में होता है ये मूवमेंट, इसलिए इसको मास मूवमेंट या वृहद संचलन कहते हैं। और इसमें अपरदन के कारक प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते। अपरदन के कारक यानी बहता जल, बहती वायु और सागरीय तरंगे या हिमनद प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते, अतः इसे अपरदन के अंतर्गत नहीं रखा जाता। यद्यपि इसमें भी पदार्थों का संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होता है। और इसमें इसे क्या कहाँ रखा जाता है? इसे अपक्षय व अपरदन के मध्य की एक संक्रमणकालीन घटना के रूप में देखा जाता है, जिसमें क्योंकि अपक्षय की भी प्रक्रिया शामिल होती हैं और अपरदन के प्रक्रम भी शामिल होते हैं, और ये जो संचलन की गति है ये तीव्र भी हो सकती है और ये मंद भी हो सकती है। तो तीन तरह का मूवमेंट होता है, मंद संचलन स्लो, तीव्र संचलन रैपिड, और भूस्खलन जो हम जानते हैं लैंडस्लाइड। मृदा सर्पण पहला जो मंद संचलन है उसमें पहला जो है वो है सॉइल क्रीप, यानी कि मिट्टी का क्रीप यानी कि सरकना, ये सरक रही है मिट्टी ढाल के सहारे, इधर ढाल है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीरे धीरे मिट्टी सरक रही है। हालांकि ये इतनी धीमी प्रक्रिया होती है कि हमें सामान्य रूप से देखने से पता नहीं लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब हम इसके प्रमाण के रूप में, जैसे ये वृक्ष है ये झुक जाएंगे या कोई खंभा है ये झुक जाएगा, तो इससे पता लगता है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है। भूमि सर्पण एवं जेली फ्लक्शन, ये होता है विशेष रूप से हिमपात से प्रभावित क्षेत्रों में, जो शीत प्रदेश है वहाँ पर जब तक जो है हिम का प्रभाव होता है, जो ऊपरी परत पर बर्फ जो है वो जमी रहती है, परमाफ्रॉस्ट का रीजन होता है, तो वहाँ पर बर्फ है और वहाँ पर जो मॉइस्चर है वो बर्फ के रूप में है, फिर जैसे तापमान बढ़ने से वो पिघलता है, हिम जो है वो पिघलना शुरू होता है, तो क्या होता है कि ऊपरी परत जो है वो वहाँ पर जल की अधिकता हो जाती है और ऊपरी परत पर जो मलबा है उसको बहाते हुए ढाल के अनुरूप बहाते हुए ले जाता है, इसको कहते हैं भूमि सर्पण और जेली फ्लक्शन। भूमि प्रवाह क्या होता है? ये सॉइल क्रीप जैसा ही है, लेकिन सॉइल क्रीप जो है वहाँ पर वो मंद ढाल के क्षेत्रों में भी होता है, जहाँ पर इतना ज़्यादा तीव्र ढाल नहीं है, लेकिन भूमि प्रवाह जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है मुख्य रूप से, जहाँ पर ढाल जो है थोड़ी तीव्र होती है, और ये जो मिट्टी है ये मिट्टी की परत है वो ढाल के अनुरूप और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उसी ओर सरकना शुरू करती है, उधर संचलन होना आरंभ होता है, और ये जो है ये तीव्र संचलन में आता है, क्योंकि ढाल अधिक है इसलिए ये तीव्र संचलन में आता है।
और मृदा सर्पण जो है वो मंद संचलन में आता है। पंख प्रवाह भी तीव्र संचलन में आता है, यह होता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और विशेष रूप से जहाँ पर वनस्पति के आवरण का अभाव है, तो वनस्पति जो है वो मृदा को बांधने का काम करती है, जल को सोखने का काम करती है, निचली परत में उसको निचली परत में अगर वर्षा अधिक हो गई, एक बार में अधिक हो गई, तो जल जो है उसको वो एब्जॉर्ब हो पाता है नीचे की परतों में अगर वृक्ष वनस्पति का आवरण अधिक है। लेकिन जहाँ पर जिस स्थान पर वनस्पति का आवरण कम है और वर्षा जो है वो एक अचानक अधिक मात्रा में हो गई, तो ये ऊपरी परत जो है, जैसा कि देख सकते हैं इसमें ऊपरी परत जो है वो कीचड़ जैसा, ऊपरी परत में जो मलबा है, मिट्टी है, वो इस तरह से बहाव होने लगता है वर्षा जल के साथ। इसको कहते हैं मड फ्लो या पंख प्रवाह, ये भी तीव्र संचलन की श्रेणी में आता है। अगला जो तीव्र संचलन है वो है मलबा अवधाव, डेब्रिस एवलांच, ये होता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और जहाँ पर अगर वनस्पति का आवरण है या नहीं है, लेकिन जो मलबा है वो जो ऊपरी परत है, वर्षा अगर हो रही है तो आर्द्रता की अधिकता हो जाती है, जल की अधिकता हो जाती है और ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों से नीचे की ओर ये डेब्रिस जो है, यानी कि जो मलबा है, ये गिर जाता है नीचे काफ़ी तीव्र गति से, जिसको डेब्रिस एवलांच कहते हैं। और लास्ट है भूस्खलन या लैंडस्लाइड, ये तो पूरा एक भूमि का जो क्षेत्र है, जमीन का एक टुकड़ा ही पूरा ये गिर जाता है या जिधर ढाल है उधर स्खलित हो जाता है और इसमें काफ़ी अचानक होता है, ये तीव्र संचलन की ही श्रेणी में आता है और नुकसान भी होता है। तो ये आज का वीडियो था, यहीं तक आज का वीडियो, और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे मोटिवेट करिए। और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्राइडे को करंट अफेयर्स के एक टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड थैंक यू।